हेलो नमस्ते, मैं हूँ कविता और स्वागत है आपका टॉक्स एंड मॉम्स में। आज हम वीडियो बना रहे हैं किशमिश के बारे में, इसे बच्चे को कैसे दिया जा सकता है, क्यों देना चाहिए, इसका हेल्थ बेनिफिट क्या है और इसके यूज़ करने के मेथड, बहुत सारे मैंने डिटेल्स इंक्लूड किए हैं जो यूजुअली पेरेंट्स के दिमाग में रहता है, डाउट्स रहते हैं। मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, थोड़े बहुत जगह में इन क्वेश्चन को देखा, तो ये एक डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ और आखिर में बता रही हूँ कि किशमिश के सिरप को आसानी से घर में कैसे बना के स्टोर किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। हमारे सारे वीडियोस के अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसे कैसे और कब दिया जा सकता है। 6 महीने के बाद जब आप सॉलिड शुरू करते हैं छोटे बच्चे को, तो तभी से इसे इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि तब वो चबा नहीं सकते और धीरे धीरे सीख रहे होते हैं खाने का मेथड। तो ऐसे ही डायरेक्टली मत दे दीजिएगा उन्हें, थोड़ा क्रश करके या प्यूरी बना के या गर्म पानी में सोक करके ऐसे ही उसे सॉफ्ट अपने फोर्क या स्पून से मैश करके दे सकते हैं प्यूरी फॉर्म में। और इसे आप दलिया में कुछ भी बना रहे हैं बेबी फूड, तो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी रहता है कंपेयर टू शक्कर जो प्रोसेस हुआ होता है, जिसे ब्लीचिंग वगैरह मेथड से गुजरना पड़ता है। ये बहुत ही हेल्दी और सेफ है, कैलोरी ज़्यादा है इसमें अच्छे, तो ये वेट गेनिंग में सहायक होता है बच्चों के लिए। और इसमें आयरन और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। और इसमें ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉन्स्टिपेशन जैसे लैक्सेटिव इफेक्ट है, तो बच्चे को बदहजमी है या कुछ और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किशमिश देना बहुत ही अच्छा है। और बड़ों के लिए भी ये सजेस्ट किया जाता है ज़्यादातर, जब उन्हें बुखार हो जाए या कुछ और जैसे डाइजेशन इश्यूज़, तो ये टॉनिक की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो ये रहे इसके बेनिफिट्स। और कैसे चूज़ किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए इसका, पहली बात ये है अगर बच्चों के लिए कुछ भी बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही चूज़ कीजिएगा। ऑर्गेनिक किशमिश, ड्राई ग्रेप्स या रेजिन्स पैकेट के लेबलिंग में रहा चेक करके दे सकते हैं आप। और जब भी आप बच्चों के लिए इसे दे रहे हैं या अपने लिए भी, तो इसे एक बार धो लीजिएगा, क्योंकि ये सनड्राइड होता है, धूप में इसे सुखाते हैं और कौन सी कंडीशन में सुखाया जाता है ये आप श्योर नहीं है, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है कि एक बार इसे धो लीजिएगा और बाद में यूज़ कीजिएगा। और हमारे चैनल में मैंने इसके अलावा बहुत ज़्यादा और नेचुरल स्वीटनर्स को इंक्लूड किया है, जैसे पहला है ड्राई डेट्स पाउडर, खारिक पाउडर बनाया है मैंने, खारिक का सिरप, डेट सिरप बनाया है, रिसेंटली मैंने गुड़ का सिरप भी बना के दिखाया था, उसे भी आप चेक कीजिएगा। और नेचुरल फ्रूट्स जैसे एप्पल बहुत मीठा होता है, वैसे फ्रूट प्यूरीज भी आप बेबी के फूड में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि इसके अलावा नेचुरल स्वीटनर क्या है। तो और एक कॉशन आपको देनी है कि इसे, क्योंकि ये अच्छा है तो इसे हर रोज़ इंक्लूड करना भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बच्चे स्वीट टूथ डेवलप कर लेंगे और कुछ भी स्पाइसी अच्छा ही नहीं लगेगा उन्हें, और बड़े जब बनते जाएंगे तो नॉर्मल फूड में अडेप्ट होने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो नेचुरल स्वीटनर्स अच्छे हैं, आप हफ्ते में 2-3 बार इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि हर रोज़ हर फूड में। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये थे डिटेल्स किशमिश शिशुओं के लिए कैसे दिया जाए, बेनिफिट्स वगैरह के बारे में। और जैसे बताया था, हम अभी बनाएंगे किशमिश का सिरप जो आप स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं बेबी के दलिया में, और उनको कुछ अगर मिल्क शेक या जूसेस बना रहे हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्विकली चलिए देखते हैं उसे कैसे बनाया जाए। सो नाउ लेट्स डाइव राइट इन एंड सी हाउ टू मेक रेजिन सिरप। सबसे पहले एक प्रेशर पैन में ड्राई ग्रेप्स, रेजिन्स या किशमिश कहा जाता है इसे हिंदी में, इसे ले लीजिएगा और इसके साथ थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं डाल रही हूँ उसका मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, वहाँ पे चेक कीजिएगा। एक ढक्कन बंद करके इसे अच्छी तरह से बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। अब तो
मीडियम फ्लेम में ही पकाइएगा इसे और बीच बीच में ऐसे मिक्स करते रहिएगा ताकि ये बॉटम को चिपके ना। फिर से ढक्कन बंद करके पकाना कंटिन्यू कीजिएगा। ये बॉईल होते होते पानी जब कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, तब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। लेमन जूस डाल रही हूँ, नींबू पानी थोड़ा, बाद में ये सिनेमन या दालचीनी का पाउडर डाल रही हूँ। ये घर में ही थोड़ा मिक्सर जार में डाल के पीस के रखा है मैंने, क्योंकि ये बेबी फूड के लिए बहुत यूज़ होता है और बहुत हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए। आप भी ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं इसे। जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर, ये भी हमारे स्टोर में मिल जाएगा। शॉप लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। थोड़ा और पकाने के बाद आप देखेंगे कि पानी बहुत कम हो चुका है और ये हमारे सारे किशमिश फूल चुके हैं। अभी इसे बस थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम इसे एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे। ये वंडर शेफ का ब्लेंडर जार मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पोर्टेबल है, बहुत आसानी से आप कैरी भी कर सकते हैं और बेबी फूड बनाने के लिए अच्छा भी है। और इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक कीजिएगा वहाँ पे। बहुत थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है इसके साथ क्योंकि वैसे भी इसे पकाने वाले हैं हम फर्दर, तो ऐड कर सकते हैं आप भी। इसका फाइन प्यूरी बना लीजिएगा आप। बाद में उसी बर्तन में ये प्यूरी जो बना के रखा है उसे ऐड कर लीजिएगा और इसे भी अभी उबलने दीजिएगा धीमे आंच पे। मिक्स करते रहिएगा बीच में ऐसे। आप देख सकते हैं कि कलर चेंज होता जाएगा इसका जब ये बॉयल होके बहुत थिकन हो जाएगा ये मिक्सचर ऐसे। और अभी ये आप स्टोव के ऊपर से निकाल सकते हैं। ठीक तरह से पक गया है जब ऐसे थिकन हो जाए तो सिर्फ इतना ही मिलता है आपको मिक्सचर। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो डबल दी अमाउंट ले सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। तो ये रेडी है हमारा किशमिश का सिरप। आप इसे किसी भी बेबी फूड में यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से स्टोर करने के लिए आपको एयरटाइट कंटेनर में ही डालना पड़ेगा इसे। रेजिन सिरप तैयार है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत ज़्यादा और नेचुरल स्वीटनर्स हैं हमारे वेबसाइट पे, तो चेक कीजिएगा। हिंदी में ही है सारे रेसिपीज़, तो उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अगले जो भी वीडियोस डालूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो अच्छे अगले वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।